राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था नोएडा के अंदर ड्यूटी करता हूँ। हमारे बारे में कोई स्कीम बना के हमें भी रेगुलाइज किया जाए, लेकिन डिपार्टमेंट ने रेगुलाइज करने की जगह मुझे जो विदाउट नोटिस दिए सर्विस से ही हटा दिया गया। मेरे पीछे परिवार है जिनकी जो है इस महंगाई के ज़माने में पूर्ति नहीं हो रही। डिमांड ये है मेरी सर्विस को बहाल करे और मुझे बैक डेट से रेगुलर करे। मैम, जंतर मंतर पे मैं इसलिए आया हूँ कि मैं एक दैनिक भोगी के रूप में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था नोएडा के अंदर ड्यूटी करता हूँ, और मैं अपनी आवाज़ गवर्नमेंट तक ये उठाना चाह रहा था कि मेरी सर्विस 26 साल की हो गई और मुझे भी रेगुलाइज किया जाए। मेरा भी अपना अधिकार है, मेरे पीछे परिवार है जिनकी जो है इस महंगाई के ज़माने में पूर्ति नहीं हो रही है। मैंने डिपार्टमेंट को खूब रिक्वेस्ट दी, डिपार्टमेंट ने क्या किया कि ठीक है हम आपको हटाएंगे नहीं, आपकी सर्विस चलती रहेगी, लेकिन कुछ समय बाद आपकी सर्विस रेगुलर कर देंगे। मैं अपनी आवाज़ उठा रहा था, अभी मैंने जो है 19 तारीख में प्रधानमंत्री जी को एक लेटर डाला कि सरकार गरीब लोगों के हित में सभी के हित में अच्छा कार्य कर रही है और हम इतने समय से काम कर रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे बारे में कोई स्कीम बना के हमें भी रेगुलाइज किया जाए, जिससे कि हम भी अपने परिवार का भरण पोषण कर चुके हैं। लेकिन डिपार्टमेंट ने रेगुलाइज करने की जगह मुझे जो विदाउट नोटिस दिए सर्विस से ही हटा दिया गया, तो मुझे इसलिए यहाँ पे आना पड़ा क्योंकि मैं अपनी डिमांड उच्च अधिकारियों के सामने सम्मिलित करना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज़ कोई सुनने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं था, इसलिए मैंने मीडिया का सहारा लिया। मेरी डिमांड ये है कि डिपार्टमेंट मेरी सर्विस को बहाल करे और मुझे बैक डेट से रेगुलर करे। मेरी ये रिक्वेस्ट है क्योंकि मेरे पास 6 लोगों का परिवार है, सब बेरोजगार हैं, छोटे बच्चे हैं, इसके अतिरिक्त मेरे पास कमाई का कोई साधन नहीं है। इस संबंध में मैंने माननीय जी अमित साहब को एक रिक्वेस्ट दी है कि आपने NDMC में 4400 लोग हम जैसे रेगुलर किए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने तरीके से हमारी भी सर्विस रेगुलर करा दीजिए। वहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, फिर मैंने 19 तारीख में PMO OBC में एक रिक्वेस्ट डाली कि सर डिपार्टमेंट हमारी रिक्वेस्ट नहीं सुन रहा, आप अपने तरीके से डिपार्टमेंट के थ्रू कुछ कहें जिससे कि हम भी अपनी गुजर बसर कर चुके। मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचाई जाए, हो सके तो यदि गवर्नमेंट का कोई भी पदाधिकारी मेरे से बात करना चाहता है तो मैं उनसे बात करने के लिए इच्छुक हूँ।